हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैच जो कवर करने वाले हैं, नाइट्स वर्सेस WEPL का, जो कि T20 मैच खेलेगा, CSI T20 कप का मैच रहेगा। और मैं आपको बता दूं, ये मैच कुछ ही देर में स्टार्ट हो, मात्र 4 घंटे बच चुके हैं मैच स्टार्ट होने में। तो सबसे पहले वीडियो को तो लाइक करके स्टार्ट करना, अगर आप विन करना चाहते तो रियली आप वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मतलब कि डे ऑफ द डे का हमारा 4th वीडियो, तो लाइक करके स्टार्ट कर दीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए और कौन से प्लेयर जो कि अपने फैंटेसी टीम आपको पिक करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो का एंड तक देख ले तो आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ, आपके हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो को देखने का आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही टीम्स की तरफ से प्लेइंग 11 मैच डिटेल, सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट से। लेकिन दोस्तों, इस मैच का जो फाइनल टीम रहेगी आपको टेलीग्राम पे दे दूं, अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 6 बजे मतलब मैच स्टार्ट हो जाएगा। 5:30 पर टॉस होगा और 5:45 पर यानी डेडलाइन से 15 मिनट पहले आपको ग्रैंड लीग टीम, मिनी ग्रैंड लीग टीम, स्मॉल लीग टीम जो फाइनल टीम रहेगी आपको टेलीग्राम पे दे दूं, जहां पर ऑलरेडी 10,200 प्लस के आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसे मैच से कोई भी XYZ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कोई भी प्लेयर को मैच पर बैठा दिया जाता है या फिर कोई नया प्लेयर को ऐड कर दिया जाता है, तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ विद बैटिंग ऑर्डर उसका, उसके स्टेट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देते। तो रियल टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर 10,200 प्लस के आपको देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम जो ज्वाइन किया फाइनल टीम और टिप्स के लिए हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, CSI लिंक से आ सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आ सकते हो। तो जिनको फ्री विनिंग टीम जो रियल टेलीग्राम जो ज्वाइन किया, टेलीग्राम बिल्कुल मिस मत करना। जैसे आज के मैच अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो गए थे, जैसे डेनियल गर नहीं खेले तो बहुत से प्लेयर जैसे वाई लेवी थे वो भी नहीं खेले थे, तो ये मतलब चेंजेस होते तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। जो बैटिंग ऑर्डर रहता है लाइनअप आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूँ, टॉस तो मैं टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिएगा विद बैटिंग ऑर्डर भी, और साथ साथ प्लेयर प्रेडिक्शन रहता है मैं ऑडियो क्लिप में आपको दे देता हूँ, तो इसे भी एक बार सुन लेना। तो टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिए, शब्दों में बोल रहा हूँ, आप सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आ जाए, फिर कमेंट बॉक्स के लिंक से। बात करते सबसे मैच डिटेल तो बता दूं, ये मैच खेला जाएगा डायमंड ओवल में, और सॉरी वेन्यू रहेगा डायमंड ओवल रहेगा और साउथ अफ्रीका में मैच खेला जाएगा। और बता दूं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 6 बजे मतलब कि मैच शुरू हो जाएगा और लोकल टाइम इनका 2:30 दोपहर का टाइम, बट हमारा इंडियन स्टेट टाइम से मतलब है। बात करते हैं पिच रिपोर्ट, तो दोस्तों ये पिच थोड़ा सा अलग है, अभी जितने मैचेस खेले गए लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस आए थे। ध्यान से सुनो, ये जो पिच है थोड़ा सा बैलेंस पिच भी है, साथ ही साथ यहाँ पे चेसिंग भी मतलब एक बदले काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग रहता है। सपोज करो जो पहले जो भी टॉस जीतेगी सबसे पहले बैटिंग ही करना चाहेगी इस पिच पे, जनरली यही हो रहा है हर एक मैच में। तो आप मान के चलिए जो भी टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करना चाहेगी, लेकिन पिच थोड़ा सा मतलब कि जो प्लेयर पर टिक जाता है वो बड़ी इनिंग खेल के चले जाता है। तो आपको डेफिनेटली ऐसे प्लेयर्स को पिक करना जो कॉन्स्टेंट है, चाहे वो बैटिंग से हो या फिर बॉलिंग से हो। बात करते हैं नाइट्स टीम से सबसे पेंग 11 से, तो नाइट्स की टीम से ओपन करेंगे आपके लिए, मैं बता दूं यहाँ से ओपन करेंगे मैंगलोर से मोस्टली ओपन किया, अभी मैं बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं दे रहा, सिर्फ प्रोबेबल बता दूं ये सब ऐसा होना चाहिए। मैं वो कंफर्म बैटिंग ऑर्डर की लिस्ट आपको टेलीग्राम पे शेयर करता हूं, उसकी चिंता ना करो, मैं आपको इसे डेमो बता देता हूं कि ये होना चाहिए। उसके जैक सनीमैन के साथ ओपन करें, लास्ट के कोई भी मैचेस उठा के देख लो, हर एक मैच बंदा ने न्यू बॉल के साथ स्टार्ट किया है, प्लस कंफर्म 4 ओवर पा रहा है, प्लस ओपन कर रहा है। ये वही प्लेयर जो कि लॉकडाउन के समय आज से 1.5 साल पहले या फिर मान के जो 2 साल पहले ये बंदा 9 किट में अभी सॉरी 10 किट में अभी लेता ऑलराउंडर सेक्शन में, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, रियली रोज वन डाउन बैटिंग करते, चाहे पहले बैटिंग हो या फिर चाहे बॉलिंग हो, हमेशा बंदा फॉर्म में रहता है, कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं इसके बारे में। उसके पीटे पे भी जो टीम्स कैप्टनसी कर रहे हैं लास्ट के हर एक मैच में, लास्ट के 2-3 मैचेस देखो तो फ्लॉप गया है बंदा, इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन हाँ टीम से एक अच्छा प्लेयर जरूर से, मैं आपको हाईली प्रेफर करूँ ग्रैंड लीग की टीम में जरूर से पिक कीजिएगा। उसके अलावा टीम की तरफ से फेरन वेडी, जो कि टीम से एक कॉन्स्टेंट बंदा माना जाता है, बहुत ही एक उस लेवल का प्लेयर, तो मैं नहीं कहना चाहूँगा कि T20 फॉर्मेट में, लेकिन हाँ टेस्ट मैचेस में ODD फॉर्मेट में एक अच्छी इनिंग खेल के जोर से चला जाता है, लेकिन T20 फॉर्मेट में जब भी इनको चांस दिया जाता है जब पहले बैटिंग रहता है, तो मान के चलिए पहले बैटिंग तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा, फिर ना बैटिंग कर लेगा। उसके अलावा मैंड्री वेड की टीम से विकेट कीपिंग करेंगे, मैंड्री फेडर से टीम से अंदर बैटिंग प्लस बॉलिंग पाएंगे। उसके अलावा गेले कोटेज आप खेलते रहेगा, फिर से जॉर्जी मैकोनो जो टीम से बॉलिंग करेंगे, साथ ही यहाँ पे खेलते रहेगा 10th पे नीला, यहाँ पे वैन हार्डन जो टीम से कन्फर्मली मतलब 4 ओवर पाते। उसके अलावा खेलते ना आपको मैवले या वो डिजाइट टीम की तरफ से, दोस्तों ये नाइट्स का प्लेयर देख लीजिए, यही बैटिंग ऑर्डर भी होना चाहिए, अगर कोई चेंजेस होता है तो आपको सबसे पहले टेली यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। बात करें यहाँ पे WEPL के, तो उससे ऐसे ओपन करेंगे, यहाँ पे ओपन करें जयवर हम जो टीम से ओपन करेंगे, टोनी डे जो के साथ ओपन किया, मुझे नहीं पता मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने पुरानी जो सुने पता होगा टोनी के बारे में, एक अच्छा प्लेयर टीम से बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट है और यंगेस्ट भी है और टैलेंटेड भी, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। कैनिवेन से टीम से विकेट कीपिंग करेंगे, वन डाउन बैटिंग करता है, ये मतलब मुझे उस मैच को याद आ गया जब इसका नाम ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट समथिंग आज से 1 साल या 1.5 साल पहले की एक बात है, उसमें मतलब जबरदस्त फॉर्म में रहता था बंदा, टेस्ट मैच की शायद बात है, उसमें अच्छे फॉर्म में था, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। टीम्स कैप्टनसी भी कर चुके हैं कुछ डोमेस्टिक मैचेस में। उसके अलावा जस्टिन बॉर्ड टीम्स फॉर द बैटिंग है, WPL टीम से भी कैप्टनसी कर रहा है इस बार और टीम से कंफर्म 4 ओवर पाएगा कंफर्मली, और विकेट टेकिंग बोला ने मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा कैलेस सिमोन टीम से बैटिंग कर लेगा, उसके अलावा सैन आपको बैटिंग करते हैं, जॉर्डन वॉल्फ टीम से बैटिंग कर लेगा, उसके अलावा आप खेलते वेनो वेम्स हेनरिक्स जो टीम से इन बैटिंग, टिस्फो अमोरी की जो टीम से नाइन बैटिंग कर लेगा, उसके अलावा खेलता पूरा जाएगा FC कमांड जो टीम से कंफर्म ओवर पाता है, उसके अलावा डेनिस सिमी जूनियर जो टीम से खेलते हैं, तो ये WE के प्लेयर देख लीजिए। बात
करते हैं ऐसे टॉपिक्स जो कि आपकी फैंटेसी टीम में होना ही चाहिए, ऐसे टॉप स्विप के सबसे पहला नाम निकल के आता है रेली रोजवाय, जिन्होंने जबरदस्त स्कोर किया इस मतलब सीरीज में, काफ़ी बड़े इनिंग खेल रहा है और साथ ही कॉन्स्टेंट भी, और बंदा मतलब टिक के खेल रहा है और पिचेस पर इन्हें सपोर्ट करें तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। उसके अलावा मेगली पेटर्स टीम की तरफ से एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकता है, टीम से विकेट में 6 विकेट ले चुका है इस टूर्नामेंट में, तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा। उसके लिए 6 के इकोनॉमिक से बॉलिंग करा रहा है हर एक मैच में। उसके अलावा आपको खेलते हैं टॉप पिक्स के बाद के वेस्टर्न प्रोविंस के थे सर जो है जुबेर हेमजा, टीम की तरफ से एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इन्होंने 168 रन खड़ा कर चुके हैं मतलब इस सीरीज में, साथ ही साथ 56 का इनका एवरेज रहता है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा। उसके अलावा एक 100 में शामिल होती है, मान के चलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, टीम के सबसे कैप्टन भी बना सकते, क्योंकि बंदा उस लेवल का भले ना हो लेकिन ग्रैंड लीग की टीम में आप कैप्टन जोर से बना लीजिएगा। उसका डेवलपमेंट है टीम से कैप्टनसी करा, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, टीम कन्फर्म 4 पाएगा प्लस विकेट टेकिंग बॉलर है, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे टॉप पिक्स जो कि आपको डेफिनेटली 4 ऐसे प्लेयर्स को पिक करना चाहिए फैंटेसी टीम में, और ये तो दोनों टीम से प्लेयर, और ये थे मतलब पिच रिपोर्ट देख लीजिए और इसे लाइव स्ट्रीम फैन कोड पर इजिली देख सकते हैं। बाकी अपडेट से टेलीग्राम ज्वाइन कर, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर तो आपको सारे डाउट्स उस पर क्लियर हो जाएगा, कहीं भी आपको सर्च करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा, डेडलाइन से 15 मिनट फाइनल टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। ज्वाइन कर सही वक्त ध्यान को वहाँ पर 10,200+ के आपको देखने को मिलेगा, तो टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं सीधा टीम से, पहले तो कुछ लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि मैं इतना फास्ट क्यों बोल रहा हूँ, पहली बात एक वीडियो आप कंपेयर कर लेना, मैं जिस वीडियो स्लो बोलूँगा और फास्ट बोलूँगा उस पर किस में आपको समझ में आएगा। मैं पर्सनल बोलता हूँ जिस वीडियो में मैं फास्ट बोलूँगा उस चीज़ में आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्यों दोस्तों इससे मतलब कि आपको मतलब एक मतलब क्लियर तो वॉइस तो आ ही रही, साथ ही साथ मतलब आपको जल्दी जल्दी समझ भी पाओगे और टाइम भी मेरा कम जाएगा, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है वीडियो तो आप वीडियो कट करके जा सकते हो, लेकिन मेरी बात मानो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, आपको बहुत अच्छे सीख जाओगे। मुझे अभी जो प्रेडिक्शन हुआ उसे ध्यान से फॉलो कीजिएगा। बात के विकेट कीपर सेक्शन में तो देखो कैले वेन्स टीम से बहुत ही अच्छा टीम से वन डाउन बैटिंग करेगा, साथ ही साथ ये मतलब ओपन कर आप किसे परफेक्ट करोगे। आप देखिए वैसे कुछ लोग बोले कि हम चले जाएंगे ऐसे कैलिबर से, दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि मोस्टली खराब प्लेयर, अच्छा प्लेयर टीम से मात्र अभी तक 8% सिलेक्शन है, लेकिन अच्छा प्लेयर है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए अपने टीम में। मैं भी के लिए कैलिबर से आ जो कि टीम से विकेट कीपिंग कर रहा है बंदा, इस इनफैक्ट कैप्टन उसके प्लेयर रोटेट करना चाहिए क्योंकि अच्छा प्लेयर है। रेली रोजवाय इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप लोग मुझे कमेंट बताना मुझे क्या इतना फास्ट बोलना चाहिए नहीं चाहिए या फिर इसे स्लो बोलना चाहिए, मुझे कमेंट के बता देना। मैं पर्सनली मैं चाहता हूँ इतना ही फास्ट बोलूँ, और ये मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंट है, किसी तरह स्लो बोल के आपको मतलब बोरिंग सा फील नहीं देना चाहता मैं। ऐसा देखो अगर ऐसे बोल रहा हूँ तो आपको भी मतलब एक अच्छा सा वीडियो लग रहा होगा, अगर मैं बोरिंग सा बोलूँगा तो आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, वीडियो कट कर दोगे, लेकिन ऐसे बोलने में हर बार आपको लगा कि हाँ कॉन्फिडेंट आ रहा है विन करने का। उसके अलावा आई फेडेड मैं आपको टिप्स देता हूँ, इनको पिक करने का एक ही लॉजिक आप समझ के पिक करना, जब पहले बैटिंग हो क्या टे जब पहले मेरे नाइट्स के मतलब टीम मजबूत है तो आप कोशिश करना नाइट्स के 7th प्लेयर लेने की, दोस्तों ये मजबूत टीम है। मैं आपके प्रेफर नहीं कर रहा अगर पहले बैटिंग है तो पिक कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा, बट हाँ पहले बैटिंग नहीं तो पिक करना, मैं उतना प्रेफर नहीं करता नहीं। उसके अलावा पीटर विजॉर्ड ये आपके जबरदस्त ऑप्शन हो सकता है, टीम इस कैप्टनसी कर रहा है, लास्ट के 2 मैचेस देखोगे 3 मैचेस तो एक पे डकपा आउट हो चुका है, एक पे 0 पे आउट हो चुका है, एक पे शायद ये कि या फिर 3 रन बनाया है, ऐसी मतलब इनका फॉर्म चल रहा है, लेकिन जबरदस्त प्लेयर कभी भी आपको बड़ी इनिंग खेल के आपको दे सकता है, तो ग्रैंड लीग के लिए स्पेशल पिक रहेगा, आपके लिए बड़ी इनिंग दे ही देगा। टोनी उजेट मैंने आपको पहले पूछ चुका ओपन करता है, उसका रवेन टोनी खेलेगा तो ये भी ओपनर है, हालांकि नहीं खेलेगा अभी तो, उसका जैक्सन बर्ड को बता चुका हूँ, उसके कुछ खास अच्छी ऑप्शन नहीं है, तो अभी 3 ही ले रहा हूँ बैट्समैन। अगर आपको एफ फेडन पसंद है तो आप ले सकते हो, मना नहीं कर रहा, लेकिन हाँ आपको पहले बोल चुका फिर ना बैटिंग है, T20 फॉर्मेट है, ODD रहता तो बात अलग रहती, अगर क्या पता है पिक करो इन्हें ओवर ही ना मिले तो उस केस में तुम्हारा लॉस हो सकता है, तभी एफ फेडन को ड्रॉप करता हूँ। डब्ल्यू पैनल से MPT 6 मतलब कि विकेट ले चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। उसके लिए KM इनिशॉर्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, टीम से विकेट टेकिंग बॉलर है, और जे सैनीमैन आपको लेना ही है। अब पता नहीं मुझे जे सैनीमैन क्यों लोग ड्रॉप करें, एक टाइम ऐसा था कि लॉकडाउन में सबसे कैप्टन वाइस कैप्टन सबके इन्हीं थे, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए कैप्टन वाइस कैप्टन, तो आप लोग आँख बंद करके पिक करो, मैं इस वजह से कैप्टन भी जाने वाला हूँ। अगर बंदे ने अगर ओपोनेंट ने ड्रॉप कर दिया तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसके आपको अच्छे खास पॉइंट्स देखे जाएगा। उसके अलावा बॉलिंग सेशन से अबरिन हैंग्स, मुझे नहीं लगता आप इसे भूल पाओगे क्योंकि ये मतलब इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है, काफ़ी अच्छा प्लेयर। उसका नीचा होगा तो आपको देखा टीम ओरिके, टीम से अच्छा प्लेयर है, लेकिन मेरे पास किट की प्रॉब्लम पड़ रहा है तो मुझे एक किट सेवन प्लेयर लेना पड़ेगा, तो अगर मुझे कोई भी किट सेवन नहीं है उसे है एक प्लेयर अच्छा है टीम से कन्फर्म 4 पाना चाहिए, वाई कैमेज पिक कर सकते हो, बट उतना भी प्रेफर नहीं कर रहा। अभी जी क्लोटेस को ले लेता हूँ जो कि कन्फर्म ओवर पाएगा। उसके लिए बताया एम बुडेजा जो कि मैं अभी लेना चाहूँगा, लेकिन अपने फाइनल टीम में दोस्तों टीम ओरिके में विश कर रहा हूँ, बट मेरी टीम काफ़ी मुझे परफेक्ट और मुझे काफ़ी सही टीम है। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करना हो तो मैं मना ही करूंगा, कोई चेंजेस मत करो, आप किसे ट्राई करना चाहते हो, आप एफ रेडिन को ट्राई करो, बट दोस्तों का फिर इतना बैटिंग है क्या पता उसको बैटिंग का चांस ना मिले, क्योंकि 20 ओवर का गेम है, बस लॉजिक वैसे टीम है, मैं किसी तरह सिलेक्शन को टीम देख आपको टीम नहीं दे रहा, मैं प्रोफेसर बोल रहा हूँ लॉजिक यूज कर लो, आप अच्छा करो प्रॉफिट कमा के जाओगे।
और मेरी टीम है, मैं सिलेक्शन को देखकर टीम नहीं बनाता, मैं वैसे सबको बोलता हूँ कैप्टन कैप्टन, तो आखिर जैसे नहीं मैंने कैप्टन जाए, अब मुझे पता है सिर्फ 2% लोग जा रहे, इतना बड़ा रिस्क है, अब लोग इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं लेना चाहता, 2% सिर्फ सिलेक्शन सॉरी कैप्टन वाइस कैप्टन जा रहे, बट क्यों जाए दोस्तों, 2% है उससे मतलब नहीं रखना, बंदा ओपन करता है प्लस न्यू बॉल से स्टार्ट करता है, कन्फर्म 4 हो पाएगा प्लस विकेट टेकिंग है, तो मैं आपको प्रिफर करूँगा वाइस कैप्टन। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे रिली रोज वाइज, जो कि टीम्स कॉन्स्टेंट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, मैं अपनी टीम वाइस कैप्टन जा रहा हूँ, अगर आपको पसंद रिली रोज है तो सबका पसंद ही होगा, क्योंकि मुझे भी पसंद है वाइस कैप्टनसी के लिए। उसके अलावा जेड के अहम जगह ट्राई कर सकते हो, जो कि 1 सेंचुरी तक लगा चुका है और एक बार 56 रन स्कोर कर चुका है, तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ग्रैंडली टीम है, मैं आपको जो भी ग्रैंडली टीम प्रोवाइड कर, ग्रैंडली टीम है टोनी जो और साथ ही कैलिमर, इन दोनों को ट्राई कर लेना। आपको ट्राई करना है किसी डब्ल्यू पर्नल, इसको भी ट्राई कर सकते हो आज के मैच में, लेकिन कैप्टन कैप्टन अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म टेन यहाँ पे दे दूँगा। ब्रून हेंडेस कंफर्म मतलब ओवर पाएगा तो वो देते हुए बॉलिंग कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा ब्रून हेंडेस आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है। तो दोस्तों अभी मेरी डेमो टीम है, जिसके अंदर मैं कॉन्टेस्ट बुक करूँगा, आप आके टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ तो टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिए, या फिर पार्टी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँ तो रियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों ये थी मेरी डेमो टीम, मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँ तो रियल टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लिए पार्टी। कुछ ही देर मैच स्टार्ट हुए, मतलब 3 घंटे बच रहे, तो आप रियल टेलीग्राम पर जल्दी से आ जाओ पार्टी और टिप्स के लिए। दोस्तों अगर भी आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो से कुछ सीखे हो, तो वीडियो को लाइक जोर से कर दीजिएगा, मैंने आपको जो दिया वो बैटिंग ऑर्डर वही होना चाहिए, अगर उस पर अगर एक्स वाई जेड अगर कुछ चेंजेस होते तो मैं आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले दे दूंगा। जैसे इस मैच में किसी ने सोचा तक नहीं था कि ऐसा भी बैटिंग ऑर्डर हो जाएगा, बट मेरे को जो बैटिंग ऑर्डर दिया था ऑडियो मैसेज में भी दे दिया था, और साथ ही साथ मैंने आपको बैटिंग ऑर्डर दिया तो वो भी मतलब सेम ही हुआ, तो उस चीज़ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दो रियल टेलीग्राम चाहिए। अगर किसी सर्च करना हो तो सर्च कर लेना फैंटेसी 11 टीम ड्रीम, जब सर्च कर सकते बिना स्पेस देकर सर्च करना फैंटेसी टीम, ज्वाइन करते सही से ध्यान 10,200 प्लस आपको देखने को मिलेगा, तो टेलीग्राम जोर से ज्वाइन करिए फाइनल टीम और टिप्स के लिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, का जो भी डाउट है नीचे कमेंट करके बता दीजिए, बाकी उससे टेलीग्राम ज्वाइन के लिए आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।